प्रयागराज का संगम, गंगा यमुना और गायब हुई सरस्वती नदी का मिलन है। लोग यहाँ जब डुबकी लगाते हैं, इससे संगम नगरी में रह रहे लाखों लोगों की जिंदगी चलती है। यहाँ पर कई लोगों का रोजगार बड़ी तादाद में आने वाले श्रद्धालुओं पर निर्भर है। पर अब प्रयागराज में संगम घाट के किनारे नजारा कुछ अलग है। दरअसल हाल ही में गंगा और यमुना का जलस्तर अचानक बढ़ गया और संगम पर नाव चलाने वाले हजारों गरीब नाविकों पर इसका बेहद बुरा असर पड़ा। नाविक रामू निषाद कहते हैं, हम नाव चलाकर ही अपने घर का खर्च चलाते हैं, लेकिन अब जब से बाढ़ आई है लोग संगम तक नहीं जा रहे हैं, वो गंगा के किनारे ही डुबकी लगाकर लौट जाते हैं, जिससे हमें सही यात्री नहीं मिल पा रहे। ये सिलसिला एक महीने से ज्यादा समय से चल रहा है। बाढ़ का प्रकोप नाविकों पर भी जमकर बरसा है। गंगा के जलस्तर बढ़ने से अब उनको नुकसान ही होता है। यात्री गण आते हैं, जहाँ नाव से जाने की बात हुई गंगा पास में यही चार कर लेते हैं, और जो भाड़ा था उनको मिलना रहता है 5-5.5 रुपये नहीं मिलता है। इससे हमारा लोगों का थोड़ा सा जीवन यहाँ प्रॉब्लम हो जाता है। यहाँ कई हमारे बिरादर हैं जो काफ़ी संख्या में यही गंगा यमुना के आश्रित रहते हैं लोग, और उनका पानी बढ़ने की वजह से संगम पर श्रद्धालु कम आ रहे हैं और नाविकों को अपने काम में मुश्किलें आ रही हैं। नाविक रामू निषाद बताते हैं कि पिछले 6 साल से नाव के किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। हर एक सवारी पर नाविकों को 60 रुपए मिलते हैं। नाविकों की मांग है कि सरकार को इसमें बढ़ोतरी करनी चाहिए। हैरानी होगी, लेकिन पिछले 6 साल से नाव सवारियों के लिए ये दाम फिक्स हैं। इनमें कोई बदलाव नहीं हुआ और अब बाढ़ की वजह से नाविकों की आमदनी रुक गई। सवाल ये सरकार से है कि नाविकों के लिए क्या किया है, क्या उनके लिए राहत की कोई योजना है? कोई मिल जाएगी दान के रूप में, कि हाँ ये बाढ़ आ गया बच्चों ने गुजारा भत्ता देने के लिए कोई मैं इसके बारे में कभी सरकार सोचती है जरा असर बढ़ जाए तो गुजारा भत्ता दिए उनको दे दिया जाए। बाकी तो उनको दिक्कत है आपके सामने पब्लिक में हम लोग के लिए हट पे हम लोगों का दिक्कत है, और सरकार से भी हमारा ये भी गुजारी होता है कम 100 रुपये सवारी हो जाए कोई भी फायदा नहीं। 60 रुपये में कुछ पता नहीं पता है उनको, 60 रुपये कम से कम 6 साल पहले का भाड़ा है, आज भी यही भाड़ा हाँ। क्या सरकार नाविकों को राहत देने के लिए कुछ कदम उठाएगी? बाढ़ का असर संगम के कई लोगों की रोजी रोटी पर पड़ रहा है, ऐसे में प्रशासन को ठोस कदम जरूर उठाने चाहिए। लोकल 18 के लिए प्रयागराज से रजनीश कुमार यादव की रिपोर्ट।